चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 8 है, इफेक्ट चैप्टर नंबर 8 है क्लास 7 का। तो इसको करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज मतलब देख लेने हैं, काफ़ी सिंपल से हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे बोलेंगे निकालिए प्रॉफिट निकालिए, या इसका दूसरा नाम क्या है, गेन निकालिए, तो आपको क्या करना है, आपको करना है एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस, मतलब कितने का बेचा। सी पी कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सिंपल सा है भाई। अगर आपको प्रॉफिट और गेन निकालना है, तो मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, आपने उसको 120 रुपये की बेच दी, तो क्या करोगे, 120 में से 100 रुपये माइनस कर दोगे, 20 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एस पी माइनस सी पी। अच्छा, लॉस भी तो हो सकता है, लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा सी पी माइनस एस पी। लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, सी पी माइनस एस पी। 100 रुपये का था, आपने 80 रुपये का बेच दिया, कम का बेच दिया। जब आप कम का बेचोगे तो एस पी सेकेंड साइड आ जाएगा, सी पी माइनस एस पी हो जाएगा, 20 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अब हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा अब हमें एक। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा सी पी, इंटू आएगा 100। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देना प्रॉफिट का। अच्छा, लॉस परसेंट का आपको निकालना होगा, सिंपल, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट ऊपर आया तो लॉस परसेंट में लॉस ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे हर बार सी पी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे ऐसा। हर बार सी पी क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो सी पी के मुताबिक ही प्रॉफिट होगा ना, लॉस होगा तो वो भी सी पी के मुताबिक होगा, है ना। लॉस जो होगा सी पी के मुताबिक ही होगा ना, सी पी के मुताबिक। कैसे, कोई चीज़ तो आपने 100 रुपये की खरीदी, अब उसको आपने ज़्यादा की बेची, तो इसी के ऊपर तो ज़्यादा की बेचोगे ना। कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी, उसको कम की बेची, तो इसी के ऊपर तो कम की बेचोगे ना, इसलिए दोनों केस में सी पी आएगा। कितना सिंपल है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट अपॉन सी पी, लॉस परसेंट क्या है, लॉस अपॉन सी पी, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ये है काफ़ी सिंपल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे बेसिक फार्मूले। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये फार्मूलेज आपकी बुक में 146 पेज नंबर पे दिए हुए हैं। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, पता नहीं आपको बुक किसी ने मुझे बोला कि भाई बुक भी दिखाया करो, तो मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि शायद इसमें बुक दिखेगी नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, ये वाले फार्मूले हैं सारे, ये वाले। ठीक है, पता नहीं आपको इसमें ये विजिबल है या नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो, बट स्टिल मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ लगा के। ठीक है जी, चलिए, आई डोंट नो विजिबल था या नहीं था, बट स्टिल आई ट्राइड। चलो, अच्छा, इसको और अब कर देते हैं। अब देखिए, अब हम आएंगे बड़े वाले फॉर्मूले पे। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको एस पी निकालना होगा, अरे क्या निकालना होगा, एस पी। ठीक है, और आपको फॉर एग्जांपल, आपको जैसे एस पी निकालना, तो एस पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब आपको एस पी निकालने का फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सी पी। एस पी निकालना है कब, जब सी पी दिया हुआ है, बेसिकली सी पी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ बेसिकली। जब सी पी और प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी तो हम एस पी ऐसे निकालेंगे। अच्छा, उसी तरह से हम निकालेंगे क्या, बताइए, हम निकालेंगे सी पी। ठीक है, तो सी पी कैसे निकालेंगे बच्चों, 100, तो नॉट सॉरी, अभी तो सी पी, सी पी पर गलत आ गया, एस पी एस निकाला। अच्छा, जब आपको लॉस दिया होगा, लॉस परसेंटेज, तब एस पी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 100 प्लस की जगह माइनस प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सी पी। ये तो हमारा एस पी के फॉर्मूला होगा, इसको याद कर लो। इसको यूज़ कैसे करना है सब सिखाऊंगा। एस पी का फॉर्मूला, सी पी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो ये हो गया एस पी का फॉर्मूला। एस पी निकालना है बेसिकली हमें, जब हमें सी पी दिया हुआ है, हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस माइनस, ये हो गया। उसी तरीके से सी पी का फॉर्मूला भी होगा, सी पी के भी दो फॉर्मूले होंगे। देखो, सी पी में क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा कैसे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 100, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऐसे करोगे और मल्टीप्लाई एस पी, सिंपल है। ये वाला ऊपर था, इसमें नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, मतलब ये ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई सी पी था, मल्टीप्लाई एस पी, क्योंकि अब सी पी की बात कर रहे हैं। लॉस वाला भी फिर सेम ही होगा सर, यस बिल्कुल सेम है, 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई एस पी। हमारे कुछ फॉर्मूलेज ये हो गए। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं पेज नंबर
क्या पेज नंबर है बच्चों? सेम पेज नंबर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश दोबारा से करूँगा। ये हो गया, ये वाले हमारे जो फार्मूलेज हैं ये वाले, ठीक है। तो ये वाले हमारे फार्मूलेज हैं, ये फार्मूले आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 146 में, कूल टिप के नाम से। वाह, फार्मूले के नाम से नहीं, कूल टिप के नाम से, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज, पेज पलटते हैं, टर्न ओवर करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 8F है, ठीक है, इसको हम करेंगे। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 4560। एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल को परचेज़ किया है 4560 का, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 5000, और उसने 5000 रुपये का बेच दिया। फाइंड इस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भी निकालनी है, ठीक है जी। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो बच्चों देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके पास सेम ही बुक होगी, ये वाली बुक है, ठीक है, रत्ना सागर है, क्लास 7th है, और ये वाला सेम ही बुक होगी यार आपके पास भी, ठीक है। तो आप बुक खोल लिया करो, पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 1 है, आप उसमें से देख देख के करते रहिए, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। तो उसने क्या बोला है, अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 4560। सबसे पहली लाइन ये है, एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल, मतलब कोई भी चीज़ उसने परचेज़ की है, तो जब कोई चीज़ वो परचेज़ करेगा तो वो उसका होगा CP। तो हम लिखेंगे CP ऑफ एन आर्टिकल। इसने किसी आर्टिकल का नाम नहीं दिया तो हमने आर्टिकल डाल दिया। आपको बुक में दिया हुआ है अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 4560। तो हमने बोला CP ऑफ एन आर्टिकल, ये CP हो गया आर्टिकल का, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 5000, ठीक है। तो वो हो गया सोल्ड, मतलब SP ऑफ एन आर्टिकल। ये कितना क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 5000 रुपये का, ठीक है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके पास बुक है वो बुक खोले और बुक से देखे, ठीक है। SP ऑफ एन आर्टिकल कितना हो गया हमारा, 530 हो गया। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट भी निकालना है एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात, मैंने आप जब आपको प्रॉफिट SPCP का फॉर्मूला होता है तो एक फार्मूला सिखाया था, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों, SP - CP। तो SP कितना है 5000 और CP कितना है 4560, ऐसे कर दो इसको, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, देखो 5000 है और यहाँ पे है 4560, माइनस करेंगे, करो 000 कैरी लिया, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, कितना आ गया 440, ठीक है जी। ये तो आ गया 440। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला सिखाया था बच्चों, प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और नीचे तो हमेशा CP आता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंट हो, ऐसे करते ऐसे कर देंगे। प्रॉफिट कितना हमारा 440, CP कितना बच्चों हमारा, CP था हमारा 4560, मतलब 4560 इतने का सामान बंदे ने परचेज किया था, मतलब उसके लिए ये क्या था CP, इस पे लॉस हो गया उसको जब उसने बेचा तो, ठीक है। 10 से 10 काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें 440 और 4560 काटना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखो काटता हूँ यहाँ पे 440 और 4560 काटना पड़ेगा, काटते हैं। 2 ज़ा 2 ज़ा 0 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 8, नॉट 1 कैरी, मतलब 1 यहाँ पे गया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा, 2 1 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ा 14, 55/57 आ गया हमारा, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे तो हमारा कटेगा नहीं है, तो हमारा 55 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 10 था, तो 550 अपन में कितना हो गया, 57 हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, 550 डिवाइडेड बाय 57, 9.6% आ रहा है हमारा आंसर, 9.6। पीछे देखना पड़ेगा भाई, 8F का फर्स्ट है, हाँ 9.65, चलो ठीक है, 9.649 ये आ रहा है, ठीक है। बहुत लंबा आ रहा है मगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, हमें बस दो डिजिट, हमें बस इतना ये आ रहा है ऐसे, हमें दो डिजिट चाहिए, दो डिजिट। तो हमने पहले देखते हुए 9.6
ये 9 है मतलब 5 है, 5 से बड़ा है तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा 5, ऐसे होता है। ठीक है, आप 9.6 भी लिखकर आओगे ना तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन पीछे दिया हुआ है मैं वैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे पूरा कितना आंसर आएगा आपका 9.65%। देखो ऐसे ऐसे डिवाइड करना, इतना मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं करा, जगह ख़राब हो जाती, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 था ऐसे करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर इसने 2 में क्या बोला है, 2 में इसने बोला है अ कार वॉज परचेज फॉर ₹8530। ठीक है, एक कार है जिसको परचेज किया गया है 18530, इतने कोई कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, एंड आफ्टर स्पेंडिंग ₹15,000 जितने की इसको परचेज की है, उसके बाद ₹15,000 इसके ऊपर खर्च कर दिए उसमें रिपेयरिंग वगैरह का काम करवाने के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद बेची है 19,000, 190,000 की तब बेची है। ठीक है, तो बताओ इसको कितना लॉस हुआ, लॉस परसेंट निकालनी है बेसिकली। ठीक है, चलो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज की गई है ना, अ कार वॉज परचेज, तो सी पी ऑफ अ कार, जो भी परचेज करेंगे वो कार का सी पी बन जाएगा, कितना है 185 इतने 0 3 0 इतने का हो गया। आफ्टर स्पेंडिंग ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयर, तो लिखेंगे अमाउंट स्पेंट, ठीक है, ऑन रिपेयर या इट्स रिपेयर लिख दो। ठीक है, कितना हो गया रिपेयरिंग, वो है हमारा 15,000। ठीक है जी, तो अब इसका न्यू सीपी बनेगा, क्या बनेगा न्यू सीपी, याद रख कर लो बच्चों, कोई सीपी है उसके बाद आपने उस पर और खर्चा करा तो न्यू सीपी बनेगा, तो न्यू सीपी कितना हो गया 18,513 प्लस 5,123 ऐसे हो जाएगा, रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार जल्दी से, आप भी सोचोगे सर की कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, कोई बात नहीं सोच लीजिए, आपको 1 2 3 4 5 6 आपको समझाने के लिए करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, रुपीज़ और लगा देंगे, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसका रब करना है इसको। ठीक है, रब कर दिया। अच्छा, अब क्या करें, अब देखिए इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1, सोल्ड मतलब कि SP सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार, कितने की बेची बच्चों 1,90,000 इतने की बेच दी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, लॉस परसेंट हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट हमें बस ये निकालना है, लॉस परसेंट, लॉस नहीं निकालना, बस लॉस परसेंट निकालना है, लेकिन लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में बोला इसने, इसने बोला प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट परसेंट निकालो, इसने बोला सिर्फ लॉस परसेंट निकाल के दिखाओ, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लिख ही देता भाई लॉस भी निकालना है, लॉस तो निकालना ही पड़ेगा, बिना लॉस के कैसे निकालेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SP माइनस CP, CP माइनस SP, CP कितना है बच्चों हमारा, ये 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 19 40 है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, 6 0 तो नहीं लग रहे मेरे को यार, ज़्यादा नहीं हो गए, मुझे ज़्यादा 0 लग रहे हैं ये, चेक कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 हैं, वही मैं बोलूँ 6 0 क्यों हो जाएंगे, 5 0 हैं भाई, 5 0 1 2 3 4 5 अब सही है, 1 2 3 4 यहाँ भी 5 0 आएंगे, 5 0 हैं बच्चों, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा लग रहा है। हाँ जी, कितना हो गया, तो सिंपल दिख रहा है भाई, 10 बचेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0 0 0 0 9 में 10 में से 9 हो गया 1 10,000 ये हो गया जी। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये क्या हमारा लॉस, अच्छा जी 10,000 का लॉस हो गया बंदे को, तो लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं, और करवा ले खर्चा, और खरीद ले सेकेंड हैंड कार, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, लॉस कितना बच्चे 10,000 का, अच्छा CP कितना बच्चे हमारा, न्यू CP लेना, न्यू CP, हाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे 100,
क्योंकि न्यू सी बी के बाद ही न्यू सी बी में से 10,000 का लॉस हुआ ना, इसी के मुताबिक इसने बेचा था ना आगे जाके। 1 2 3 4 5% का बंदे को लॉस कितना हो गया, 5% का लॉस हो गया बंदे को।